थे थोड़ा आउटिंग पे, तो सोचा एक व्लॉग भी बना लूँ। और ये मेरा पहला व्लॉग होने वाला है उर्दू में, वो इसलिए कि मेरे कुछ अजीज़ दोस्त थे जो कि चाहते कि मैं उर्दू में व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि वो उर्दू स्पीकर से। तो मैं आगे से इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं उर्दू में व्लॉग्स बनाऊँ। और रमज़ान भी आ रहा है, घर में बोर भी हो रहे थे, तो सोचा थोड़ा आउटिंग कर ले। और ये मैं जिस जगह में मौजूद हूँ, इसको कहते हैं सोरे पटे। मुझे पता है कि आप लोग भी बोर हो रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको खूबसूरत खूबसूरत मनाजिर दिखा सकूँ और आप थोड़ा इंटरटेन हो जाए। और इंशाल्लाह बारबेक्यू करेंगे। चले मिलते हैं फिर। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये तो वायरस और ये सब और ये लोग आउटिंग पे जा रहे हैं। तो सीन ये है कि हम तो अपनी पूरी पूरी केयर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और बाकी ये है कि यहाँ पर कोई केस वगैरह नहीं है और जगह भी सेफ़ है, तो बस बाकी अल्लाह खैर करे। असल में मैंने कुछ व्लॉग्स पहले भी बनाए हुए थे उर्दू में, वो फिर सीन ये हुआ कि बीच में थोड़ी मसरूफियत की वजह से वो मैंने एडिट भी नहीं की और अपलोड भी नहीं की, तो इसलिए मैं इसको पहला व्लॉग कह रहा हूँ उर्दू का। तो आप लोग मुझे बताएं कि क्या मैं वो अभी एडिट करके अपलोड करूँ, क्योंकि वो लास्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट वीक के व्लॉग्स थे और काफ़ी टाइम हो गया। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वो एडिट करके अपलोड करूँ, तो कमेंट्स में बताए, कमेंट्स आई मीन उसमें बताए, और फिर उस पर भी काम करते हैं। सोरे पटे पश्तो ज़बान का लफ्ज़ है। सोरे का मतलब है साया, पटे का मतलब है खेत। गुड। किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, समझ गए ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो खा लिया, अभी लेटा हुआ हूँ, नेचर एंजॉय कर रहा हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत ग्रीनरी है, बहुत खूबसूरत इलाका है, और फोटोग्राफी भी तो ज़रूरी है, तो बस कर रहे हैं। तो इसी के साथ ये व्लॉग इख्तिताम तक पहुंचता है। उम्मीद है कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। चाय और ये व्यू।